ओम नमो आदेश गुरु जी को, सभी दर्शकों को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित नरेश नाथ जी वीडियोज़ में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए दुधाधारी पवनाहारी कृपा का हारी कृपा करने वाले परम दयालु सिद्धों के सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की साधना लेकर आए हैं। मित्रों, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के साथ शायद ही भारत देश का कोई ऐसा प्रांत हो जहां के लोग बाबा बालकनाथ जी के बारे में ना जानते हों। बाबा बालकनाथ जी अपने दर पर आए हुए सवाली को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। विशेषतः आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तथा उत्तर प्रदेश में सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी के साथ जन कल्याण करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, बाबा बालकनाथ जी की कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। चाहे वो कारोबार की दिक्कत हो, चाहे घर बार की दिक्कत हो, विवाह शादी की बाधा हो या बच्चों की समस्या हो। मित्रों, दूसरे शब्दों में यूं कह लीजिए कि बाबा बालकनाथ जी निरोगी को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, कोड़ी को काया, अंधन को आंखें तथा बांझन को पुत्र तथा निर्धन को माया। सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी झोलियां भर भर कर देते हैं। भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति पल में बाबा जी के नाम से चैन पा जाते हैं, सुख पा जाते हैं। मित्रों, सर्वसमर्थ बाबा बालकनाथ जी सब कुछ देने में समर्थ है। मित्रों, यदि आप हमारे अन्य उपयोगी वीडियो देखना चाहें तो आप YouTube पर हमारे चैनल पंडित नरेश नाथ जी के नाम से सर्च कर वहां पर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, हमने बाबा बालकनाथ जी पौनाहारी दुधाहारी की एक पहले भी साधना डाली थी, जिनसे बहुत सारे साधकों ने लाभ उठाया है। भारतवर्ष के बाद बाहर इटली में बसे हुए भारतीयों ने भी इस साधना से बाबा बालकनाथ जी का साक्षात्कार किया है। और वही दूसरी तरफ एक हैंडीकैप साधक जो जिनको पैर भी नहीं है, जो अपने दैनिक कार्यों के लिए भी दूसरे की सहायता के लिए देखते हैं, उन्होंने भी बाबा बालकनाथ जी की कृपा उस साधना के द्वारा प्राप्त की। वह जम्मू कश्मीर के साधक हैं और बाबा बालकनाथ जी के साक्षात्कार भी हुए उन्हें, तथा बाबा बालकनाथ जी की कृपा से आज वो संगतों का भला भी कर रहे हैं। मित्रों, बाबा बालकनाथ जी की ये साधना भी हमारे पूर्व में बताई गई साधना के अनुसार ही है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये साधना भी आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को आरंभ करनी है, रात्रि के काल समय में, रात्रि 10 बजे के उपरांत। इसमें आपको भगवा वस्त्र धारण करना है, आसन लाल रहेगा, सामने लाल आसन पर बाबा जी का सुंदर चित्र स्थापित करें, गाय के घी की जोत जगाएं। यदि ये साधना आप घर में करना चाहें तो किसी गमले में पीपल का या वट का वृक्ष लगाएं, उसके पास गाय के गोबर का पोचा लगाकर मिट्टी के पात्र में धूना लगाएं, बाबा जी की झोली रखें, चिमटा रखें, खड़ाऊ रखें और गाय के सूखे हुए ओपलों पर अग्नि प्रज्वलित कर बाबा जी का रोट बनाएं। दूसरे दिन ये रोट
बच्चों में बांट दें। ऐसा आपको 40 दिन करना है और इन ओपलों पर आपको गाय के घी में गुगल डालकर तथा साथ में लौंग और इलायची डालकर साधना के दौरान धूनी प्रज्वलित रहे। और यदि आप इस साधना को घर से बाहर कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको धूना बनाना पड़ेगा, वहाँ पे भी धूनी देनी पड़ेगी। घर और बाहर आप दोनों जैसे आपको उचित लगे दोनों प्रकार से आप साधना को संपन्न कर सकते हैं। मित्रों, एक माला आपको करनी है रोज 40 दिन। जब ये साधना संपन्न होगी तो साधना के दौरान आपको 101% क्या 100,000% कह लीजिए मित्रों, आपको सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ पवनाहारी दुधाहारी के दर्शन अवश्य ही होंगे। जब आपको दर्शन हो जाएं तो आप अपने धूने की विभूति से बाबा जी के नाम से अभिमंत्रित कर किसी रोगी को, किसी पीड़ित को, किसी भी कार्य के लिए दे सकते हो। आप लौंग इलायची को भी कर व्यक्तियों को, अपने पास आई हुई संगत को देकर उनका भला कर सकते हो। आप उन्हें जल अभिमंत्रित कर दे सकते हो। इसी मंत्र से आप गंडा या तबीज तैयार कर उन्हें पहनने के लिए रक्षा सूत्र तैयार कर दे सकते हो। इसी मंत्र से आप मोर पंख के द्वारा झाड़ा कर उनके दुख दूर कर सकते हो। मित्रों, दुख किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो संतान संबंधी हो, चाहे वो पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की कृपा से अवश्य ही दूर होगा, सुख भरपूर होंगे। मित्रों, बाबा जी अपने पास आई हुई संगत को कभी खाली नहीं मोड़ते। हर चैत्र मास में बाबा जी के गुहा में करोड़ों की संख्या में संगत पहुंचती है उनके दर्शन करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। बाबा जी भगवान शिव के परम भगत हुए हैं और भगवान शिव से उन्होंने जन कल्याण का वरदान ही मांगा था और उसी वरदान के कारण प्रताप से आज बाबा जी गुफा में बैठे बैठे ही हर घर में पहुंच जाकर हर साधक की कामना पूर्ण करते हैं। जहाँ भी कोई उन्हें बुलाता है वह फोन के रूप में आकर उनकी कामना पूर्ण करते हैं। मित्रों, साधना के मंत्र को बताने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि मित्रों, यदि आप ऐसी ही चमत्कारी अनुभूत और प्रभावशाली साधनाएं चाहते हैं, साधनाओं के साथ आप जंतर मंतर तंत्र की जानकारी चाहते हैं, ज्योतिष और वास्तु के गुण भेद को जानना चाहते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि देने वाले चमत्कारी टोटके प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा चैनल आपके लिए ही है। क्योंकि यहाँ जो आपको मिलेगा वो कोई कॉपी पोस्ट नहीं मिलेगी, वो आपको गूगल गुरु से नहीं मिलेगा, ना ही यूट्यूब पर। अपने आप को महागुरु, धर्म गुरु, तांत्रिक, आघोरी, नागा, ना जाने क्या क्या कहने वाले बड़े बड़े महासिद्ध कहने वाले गुरुओं के पास आपको ऐसी साधना आसपास में भी दिखाई नहीं देगी। निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है। हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ के बेल वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे प्रत्येक नई वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो। मित्रों, आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज शिव वैदिक ज्योतिष विज्ञान तंत्र मंत्र विज्ञान में भी फॉलो कर देख सकते हैं।
आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़कर लाभ उठा सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़कर भी हमसे लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, हम चाहते हैं कि सनातन धर्म की ध्वजा हर घर में लहराए और हर घर सुखी व संपन्न हो। तो जो भी साधक या जो भी व्यक्ति साधनाओं के मार्ग में आगे बढ़ना चाहें या चाहते हैं, उनके लिए हमारा चैनल बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो मित्रों, इस साधना के दौरान आपको जिस मंत्र का जाप करना है वह इस प्रकार से है। मंत्र आप नीचे डायरेक्शन से नोट कर सकते हैं। मित्रों, मंत्र इस प्रकार से है, श्री राम महाराम जगन्नाथ स्वामी, एक एक नांगा एक एक निर्वाणी, उदासी वैरागी कन पड़ाए मुंद्रा पाइया किलका लाइया, एक घर मंगया दुआ घर मंगया तीजे घर पहिया, लौंग इलाची दी धुनी लाई गुफा तेरिया दीपक बल्ले, चौक उठा चानन होए, ओम नाथ नाथेश्वर है बाबा बालकनाथ है नमः। मंत्र फिर सुन लीजिए, श्री राम महाराम जगन्नाथ स्वामी, एक एक नांगा एक एक निर्वाणी, उदासी वैरागी कन पड़ाए मुंद्रा पाइया किलका लाइया, एक घर मंगया दुआ घर मंगया तीजे घर पाइया, लौंग इलाचियां दी धुनी लाई गुफा तेरिया दीपक वल्ले, चौक कुंठा चानन होए, चौक उठा चानन होए, ओम नाथ नाथेश्वर बाबा बालकनाथाय नमः। मित्रों, इस मंत्र को आप ये कह लीजिए कि ये मंत्र स्वयं सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की कृपा से प्राप्त हुआ और जन कल्याण के लिए हमने बाबा जी की इच्छा से वैसे का वैसा आपके लिए दे दिया। जो साधक सच में जन कल्याण करना चाहते हैं या जो भाई साधना में नाम कमाना चाहते हैं, साधना के क्षेत्र में भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए पौनाहारी की साधना से बढ़कर कोई दूसरी साधना नहीं होगी। तो मित्रों, दीपावली के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए स्वयं सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के द्वारा प्रदान की गई ये अनुभूत साधना प्रदान कर रहे हैं। इस साधना को आप कीजिए और अपना और समाज का भला कीजिए, क्योंकि परहित में ही अपना हित छिपा होता है। तो मित्रों, यदि आपको विश्वास हो तो साधना अवश्य करें। हमारी गारंटी है, हमारा दावा है कि आप निराश नहीं होंगे, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि आप चौकी नहीं लगाना चाहते, आप अपनी किसी भी कामना के हेतु भी इस साधनों को प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं दुनिया का जो बाबा जी की कृपा से संभव ना हो सके। आप शत्रुओं से दुखी हैं या किसी रोग से दुखी हैं या कोई भी कारण है जिसके कारण आप दुखी हैं, तो बाबा जी की कृपा से आपके दुख दूर होंगे और सुख भरपूर होंगे। मित्रों, हमारे इस प्रयास के बदले में हम सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे प्रत्येक नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। और यदि आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने के लायक है
और लाइक करने के योग्य है तो अवश्य ही हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, जय पवनहारी भगवती माँ काली, आप सबका मंगल करें।